थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 केमिस्ट्री इंटरनल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी हीट जो है सिस्टम ने एब्जॉर्ब नहीं करी है सराउंडिंग से, बट यहाँ पर वर्क डन हुआ है, तो कौन से टाइप की वॉल जो है वो सिस्टम की होगी। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से क्या है, दैट डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पर स्टेटमेंट बोल रहा है कि नो हीट इज एब्जॉर्ब, मतलब कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई है, तो यहाँ पर Q क्या हो जाएगा, जीरो, कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई है। ठीक है, कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ है, बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। व्हाट टाइप ऑफ वॉल्स डज द सिस्टम विल हैव। नाउ अभी क्या होगा, दैट इफ नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन इट हैज एडियाबेटिक वॉल्स। एडियाबेटिक का मतलब क्या होगा, कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो वर्क डन हुआ है बट एडियाबेटिकली हुआ है बिकॉज कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ है। और एडियाबेटिक वॉल्स क्या होती है, जो हीट ट्रांसफर प्रिवेंट करती है, जिससे जो वॉल्स के थ्रू हीट ट्रांसफर जो है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब अभी वापस पता है कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, दैट इज डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो यहाँ पर स्टेटमेंट के हिसाब से वर्क डन क्या हो रहा है, जीरो। फाइनली डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, इतना हो गया। नो वर्क इज डन ऑन सिस्टम बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। अब सिस्टम काम कर रहा है, मतलब यहाँ पर हीट क्या हो रही है, रिलीज, हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब भी सिस्टम काम करेगा वहाँ पर हीट जो है सिस्टम से रिलीज होगी, तो हम क्यू की जगह पे क्या लेंगे, नेगेटिव साइन, बिकॉज यहाँ पर सिस्टम जो है वर्क कर रहा है। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस क्यू। वॉट टाइप ऑफ वॉल्स डज अ सिस्टम हैव। अब यहाँ पर जो हीट जो है वो बाहर निकल रही है, ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिंग वॉल्स बोल सकते हैं बिकॉज हीट जो है वो एक्सचेंज हो रही है। तो तरह थर्मल कंडक्टिंग वॉल्स जो कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में प्रेजेंट है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन सेज डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। What type of system would it be? W amount of work is done by the system. कभी भी system काम करेगा तो sign क्या आएगी, negative. First law of thermodynamics के हिसाब से delta U equals to Q plus W. अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है that system is working. जब भी system काम करेगा तो वहाँ पर negative sign आएगी. ठीक है, तो यहाँ हम क्या ले लेंगे, माइनस डब्ल्यू, बिकॉज सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। उसके बाद डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय सिस्टम एंड क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं, तो अगर सिस्टम को भी कोई भी हीट मिलेगी तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइन हम लिखे ना लिखे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसने पूछा है कि वॉट टाइप ऑफ सिस्टम वुड इट बी। अब ये सिचुएशन में जो है हीट का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, सो अब यह होगा एक क्लोज सिस्टम। अ क्लोज सिस्टम विल एक्सचेंज हीट बट नो मैटर विद द सराउंडिंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि हीट जो है उसका एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, बट मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो सिस्टम कौन सा होगा, क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 liters ऑफ एन आइडियल गैस एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm एक्सपांड्स आइसोथर्मली। ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम टर्म जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अंटिल इट्स टोटल वॉल्यूम इज 10 लीटर्स
how much heat is absorbed and how much work is done in the expansion. तो यहाँ पर जो given data है वो कि हमें initial volume दिया है, that is V1, initial volume दिया है हमें 2 liters, और बाद में वो जो उसका वॉल्यूम हो जा रहा है दैट इज 10 लीटर, तो V2 जो है दैट इज 10 लीटर, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, साथ में प्रेशर दिया है हमें, प्रेशर जो है दैट इज 10 atm, सो विल राइट प्रेशर इज 10 एटमोस्फियरिक atm, और टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, तो वी कुड राइट टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बारे में पूछा है कि हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब एंड वर्क डन, मतलब Q और W के बारे में बात हो रही है, दैट हीट जो है हीट की वैल्यू क्या होगी, वर्क डन जो है कितना होगा, ठीक है। नाउ व्हाट डज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज दैट दैट इज डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा है दैट द 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट प्रेशर 10 atm एक्सपांड्स आइसोथर्मली, मतलब जो है एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन मतलब सिस्टम खुद कुछ काम कर रहा है, तो मतलब वर्क डन, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो सिस्टम जब भी वर्क डन करेगा तो उसका वर्क डन किस में लेंगे हम, नेगेटिव में, ठीक है। अब ये जो आइसोथर्मली वर्ड है, आइसोथर्मली वर्ड का मतलब क्या होता है, दैट इज वो केस में इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इक्वल टू 0 हो जाएगा। If delta U is equal to 0, तो Q is equals to W, ठीक है। अब यहाँ पर जो है expansion कहाँ पर हो रहा है, in vacuum, vacuum में हो रहा है, और vacuum में हमेशा हमेशा work done is equal to 0, ठीक है। तो work done भी क्या हो गया, 0, कौन से statement से मालूम पड़ा, because work done vacuum में हुआ है, ठीक है। तो फाइनली क्यू भी क्या हो जाएगा, क्यू भी ऑल्सो इक्वल टू 0, तो यहाँ पर टोटल जो हीट का चेंज है दैट इज इक्वल्स टू 0, और वर्क डन भी है वो 0। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें और सब क्वेश्चंस है, कंसीडर द सेम एक्सपांशन बट दिस टाइम अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। अब सेम एक्सपांशन है, सेम एक्सपांशन मतलब कौन सा एक्सपांशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन, तो आइसोथर्मल एक्सपांशन में डेल्टा यू जो है दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज दैट डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा यू 0 हो जाएगा तो क्यू और डब्ल्यू के बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। नाउ वी नो दैट वर्क डन इज माइनस पी डेल्टा वी, वर्क डन का वैल्यू क्या है, माइनस पी डेल्टा वी। तो अगर हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, माइनस साइन ऑलरेडी है, ठीक है, अब वर्क डन इज माइनस पी डेल्टा वी, सो माइनस पी इनटू डेल्टा वी, जो कि क्या होता है वी टू माइनस वी वन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, कि अब एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो गया 1 atm, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है। और डेल्टा वी जो है वॉल्यूम चेंज हुआ है, ठीक है, बाद में वॉल्यूम कितना हो गया था 10 लीटर, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, सो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, सो दिस माइनस प्लस बिकम्स माइनस, सॉरी माइनस माइनस बिकम्स प्लस, और 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ जो हमारा आंसर आ जाएगा दैट विल बी 8। नाउ नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज सेम डेटा है, नाउ कंसीडर द सेम एक्सपांशन जो कि आगे ऊपर प्रॉब्लम दिया है, फॉर 1 mole ऑफ एन आइडियल गैस कंडक्टिंग रिवर्सिबल। तो फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला कुछ और है, ठीक है। अब सेम एक्सपांशन है, सेम एक्सपांशन है, मतलब कौन सा एक्सपांशन है, वी हैव आइसोथर्मल एक्सपांशन। फॉर आइसोथर्मल एक्सपांशन के लिए सेम स्टेटमेंट है दैट डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज दैट डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा यू जो कि 0 हो चुका है, तो वी हैव स्टेटमेंट दैट क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ पर वर्क डन जो है वो रिवर्सिबली हो रहा है, तो फॉर द रिवर्सिबल वर्क डन वी हैव द फॉर्मूला दैट इज
2.303 nRT log v2 upon v1, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, when the work done is reversible isothermal, so this is 2.303, n का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, that number of moles कितने हो गए अभी, 1 हो गए, r का वैल्यू 0.82 या 0.83 ले सकते हैं, because यहाँ पर प्रेशर जो है वो atm में चल रहा है, तो वी कुड टेक 0.82, ठीक है। देन टेम्परेचर इज गिवन टू अस, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, और 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 298 केल्विन। एंड उसके साथ साथ जो है वी हैव लॉग वी टू अपॉन वी वन, तो यहाँ पर वी टू जो है फाइनल वॉल्यूम कितना दिया है, 10 लीटर दिया है फाइनल वॉल्यूम, और इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर दिया हुआ है, तो v2 अपॉन v1 का क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 2, वी सॉल्व दिस, 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है। log 5 का अगर वैल्यू आप चेक करेंगे, सो log 5 का जो वैल्यू है दैट वुड बी 0.6990, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लीकेशन करना है 2.303 इंटू 0.82 इंटू 298 इंटू 0.6990, फाइनली व्हेन यू कैलकुलेट यू विल गेट द आंसर दैट इज 393.66, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इफ वाटर वेपर इज अज्यूम टू बी अ परफेक्ट गैस, मोलर एंथैल्पी चेंज of vaporization of 1 mole of water at 1 bar and 100 degree Celsius is 41 kilojoules per mole. Calculate internal energy change when 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 degree temperature. अब यहाँ पर given data जो है that is 41 kilojoules दिया, molar enthalpy change, यहाँ जो है हमें डेल्टा एच का वैल्यू दिया है, दैट इज डेल्टा एच का जो वैल्यू है दैट इज 41 किलो जूल्स पर मोल, ये वैल्यू हमें दिया है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है, मतलब डेल्टा यू हमें फाइंड करना है, साथ ही साथ टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर इज गिवन टू अस दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, आप 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे इट कम्स आउट टू बी 373 केल्विन। अब डेल्टा एच और डेल्टा यू का एक रिलेशन है, दैट इज डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। क्वेश्चन बोल रहा है 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टिंग इज गेटिंग वेपराइज्ड, तो यहाँ पर वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, इसको आप वेपराइज करोगे तो ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ वाटर इज गेटिंग वेपराइज्ड इनटू द गैस, ठीक है। नाउ लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला, अब वी हैव टू फाइंड डेल्टा यू, अब डेल्टा यू फाइंड करना है तो फॉर्मूला रीअरेंज करेंगे, डेल्टा यू को शिफ्ट करेंगे इधर उधर, ठीक है। सो वी गेट फॉर्मूला दैट इज डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा एच का वैल्यू जो है हमें दिया हुआ है जो कि किलो जूल्स में है, 41 किलो जूल्स, ठीक है। डेल्टा एन जी हम कैसे फाइंड करते हैं, जो भी प्रोडक्ट के गैस मॉलिक्यूल्स है माइनस रिएक्टेंट के जो गैस मॉलिक्यूल है, यहाँ पर प्रोडक्ट के गैस मॉलिक्यूल कितने हैं 1, और रिएक्टेंट के भी गैस मॉलिक्यूल कितने हैं 1, सो प्रोडक्ट के गैस मॉलिक्यूल माइनस रिएक्टेंट के, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, सो डेल्टा एन जी का वैल्यू है दैट इज प्रोडक्ट के गैस मॉलिक्यूल माइनस रिएक्टेंट के गैस मॉलिक्यूल, तो हमें रिएक्टेंट में गैस मॉलिक्यूल तो नहीं दिख रहा है, तो फिलहाल 1 माइनस 0 जो कि क्या हो जाएगा 1,
सो डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, नाउ जूल्स वगैरह में चल रही है एनर्जी, तो यहाँ पर हम लोग जूल्स में जब है सो आर का वैल्यू जो है दैट वी कुड टेक दैट इज 8.314 ले सकते हैं, जो कि जूल्स में रहेगा। नाउ याद रहे दैट 41 किलो जूल्स लिया हमने डेल्टा एच का वैल्यू, तो इसे हम जो है जूल से किस पे कन्वर्ट कर देंगे, किलो जूल्स के अंदर। ठीक है, और टेम्परेचर जो दिया है, टेम्परेचर कम्स आउट टू बी 373 केल्विन। ठीक है, सो जब आप इसको आप सॉल्व करोगे, डिवाइड करके सॉल्व करोगे, यू विल गेट आंसर दैट इज 37.904, और डेल्टा एच डेल्टा यू का जो यूनिट है दैट इज किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज बर्न इन अ बॉम कैलोरीमीटर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब ये कार्बन जो है वो उसका एलोट्रॉप फॉर्म है ग्रेफाइट, तो सी प्लस ओ टू फॉर्म सी ओ टू। ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर राइजेस, यहाँ पर टेम्परेचर राइज हो रहा है 298 केल्विन से लेके 299 केल्विन, मतलब हीट जो है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, हीट रिलीज हो रही है मतलब सिस्टम काम कर रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम कैलोरीमीटर इज 20.7 किलो जूल्स पर केल्विन, तो हम केल्विन की जगह पे मोल कंसीडर कर सकते हैं। व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द अबव रिएक्शन एट 298 केल्विन। सो एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच फाइंड करना है हमें, डेल्टा एच फाइंड करना है, और गिवन डेटा दिया हुआ है हमें डेल्टा टू भी फाइंड करना है। ठीक है, सो हमारा डेल्टा एच फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, दैट इज डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, क्या डेल्टा यू क्वेश्चन में दिया है, डेल्टा यू भी क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हमें एक दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज क्यू इक्वल्स टू माइनस सी वी इन टू डेल्टा टी। यहाँ पर सी वी का वैल्यू दिया है दैट इज हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जो वैल्यू है 20.7 किलो जूल्स पर केल्विन। ठीक है, सो हमारे पास सी वी का वैल्यू आ गया दैट इज 27.7 किलो जूल्स पर केल्विन। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर से हो रहा है, दैट इज 299 माइनस 298, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आ रहा है कितना आ रहा है, 1 केल्विन। तो टेम्परेचर चेंज जो है दैट इज 1 केल्विन, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, सो Q का वैल्यू इट वुड कम टू बी माइनस 20.7 किलो जूल्स। तो ये हमारा जो है वो Q का वैल्यू आ गया। देन आफ्टर डेल्टा यू, हमें डेल्टा यू फाइंड करना है, राइट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, नो यहाँ पर वर्क इज डन बाय द सिस्टम है, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू, बिकॉज वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है, हमने Q का वैल्यू तो फाइंड कर दिया है, ठीक है, जस्ट ऊपर अभी हमने Q का वैल्यू फाइंड किया है। अब वर्क डन का हमें एक रिलेशन पता है दैट W इक्वल्स टू वर्क डन की जगह पे आप P डेल्टा V यूज कर सकते हो, तो डेल्टा U इक्वल्स टू Q माइनस P डेल्टा V। ठीक है, एंड वी नो दैट P डेल्टा V की जगह पे आप डेल्टा एन जी आर टी भी यूज कर सकते हो, That is delta n g r t. Delta n g की वैल्यू निकालनी है तो रिएक्शन में दिया हुआ है c plus o2 forms co2. यहाँ पर co2 है जो है वो गैस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में है, कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो 1 माइनस 1 बिकॉज
डेल्टा एन जी का वैल्यू कैसा होता है, दैट प्रोडक्ट के गैस मॉलिक्यूल्स माइनस रिएक्टेंट के गैस मॉलिक्यूल्स, दोनों में वन वन दिया हुआ है, वन इधर और वन इधर, ठीक है। सो डेल्टा एन जी का वैल्यू इज कम आउट टू बी जीरो, तो ये पूरा टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा, तो फाइनली डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू का वैल्यू हमने जैसे ऊपर ही फाइंड किया, तो हमें डेल्टा यू का भी वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज माइनस 20.7 किलो जूल्स, ठीक है। तो ये डेल्टा यू का वैल्यू आ गया, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट को बर्न करने पे, यहाँ क्वेश्चन में दिया है, मेंशन किया है 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट को बर्न करने के लिए, सो 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट को जब हमने बर्न किया तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, माइनस 20.7 किलो जूल्स, ठीक है। अब मोल के लिए फाइंड करना, से मैंने बताया था 1 मोल, तो 1 मोल में कितने ग्राम्स होते हैं, 12 ग्राम्स ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप है, तो कार्बन का मास जो है वो 12 होता है, ठीक है। कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, वी हैव टू फाइंड। सो व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट दैट इज माइनस 248 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। हमने पर मोल फाइंड कर लिया बिकॉज 12 ग्राम्स के लिए फाइंड करना था, ठीक है। देन आफ्टर डेल्टा एच हमें फाइंड करना है, तो फाइनली एक्सप्रेशन में वी यूज डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। अब डेल्टा एन जी आर टी का वैल्यू कितना आ गया, जीरो, और डेल्टा एच फाइनली एक्सप्रेशन क्या हो गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। अभी तो हमने डेल्टा यू का वैल्यू फाइंड किया, दैट इज माइनस 248, सो डेल्टा एच का वैल्यू भी क्या हो गया, माइनस 248 किलो जूल्स पर मोल। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, जो कि डेल्टा एच का वैल्यू। क्वेश्चन सेज अ स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम अ स्विमिंग पूल is covered with a film of water weighing about 18 grams. How much heat must be supplied to evaporate this water at 298 Kelvin? Calculate the internal energy. Internal energy मतलब हमें delta U find करना है of vaporization at 298 Kelvin. हमें given है enthalpy of vaporization for water at 298 Kelvin is 44.01 किलो जूल्स पर मोल। अब यहाँ पर वाटर जो है वेपराइज हो रहा है, अब वाटर के वेपराइजेशन से कन्वर्जन हो रहे हैं, दैट इज वाटर जो है लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट हो रहा है वेपर फॉर्म में, मीन्स इट इज कन्वर्टिंग इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है। नाउ हीट सप्लाइड जो दिया हुआ है, ठीक है, तो हीट That is Q की वैल्यू, हीट विच इज सप्लाइड, या फिर आप बोल सकते हो Q इज N इंटू डेल्टा एच नॉट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, दैट इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना दिया क्वेश्चन में, 18 ग्राम्स, तो यहाँ पर 18 ग्राम्स है, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो भी कितना होता है, 18, ठीक है। एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो कि क्वेश्चन के अंदर दी है, दैट इज 44.01 किलो जूल्स पर मोल, तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगी 44.01 किलो जूल्स पर मोल। सो 18 से 18 गेट्स कैंसिल, सो योर हीट सप्लाइड कम्स आउट टू बी, जो कि क्यू का वैल्यू है, इट कम्स अप टू बी 44.01 किलो जूल्स, ठीक है। आफ्टर दैट वी नो दैट हमें फाइंड करना है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है, सो हमें फॉर्मूला पता है, दैट डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। अब स्टैंडर्ड कंडीशन में फाइंड करना है हमें, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए फाइंड करना है और डेल्टा यू फाइंड करना है, सो इंटरनल एनर्जी, स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन
is delta H naught of vaporization minus P delta V. अब P delta V की जगह पे हम इसको change कर सकते हैं NGRT से भी, ठीक है. So expression हो जाएगा delta U naught of vaporization is delta H naught of vaporization minus delta NGRT. अब डेल्टा एन जी की वैल्यू जो है वो क्या निकल जाएगी क्वेश्चन में से. अब डेल्टा एन जी की वैल्यू जो है यहाँ हम देखें, डेल्टा एन जी का वैल्यू होता है प्रोडक्ट के जो गैस मोल्स है माइनस रिएक्टेंट के. तो यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर ही है, रिएक्टेंट में नहीं है गैस. वन माइनस जीरो क्या हो जाएगा, वन, ठीक है. सब्सिट्यूट करते हैं इनकी वैल्यू, वैल्यू सब्सिट्यूट कर रहे हैं डेल्टा एच, ठीक है. डेल्टा एच की वैल्यू जो है दैट कम्स इट इज अबाउट 44.01. ये जो कि अभी किलो जूल्स में दिया है, तो चलो मैं इसको अभी जूल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ. तो जब जूल्स में हम कन्वर्ट करेंगे सो मल्टीप्लाई पे क्या कर देना है, 1000, ठीक है. उसके बाद डेल्टा एन जी का वैल्यू तो क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है. गैस कॉन्स्टेंट आर का वैल्यू जो है वो अब जूल्स में रखूंगा, बिकॉज मैंने डेल्टा एच नॉट को जो है वो जूल्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8.314. और टेम्परेचर जो हमें क्वेश्चन में दिया है दैट इज 298 केल्विन टेम्परेचर दिया, तो 298 केल्विन इसका टेम्परेचर रहेगा, ठीक है. तो व्हेन वी सॉल्व दिस, इसको हम सॉल्व करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 41.530 जूल्स में आ जाएगा, ठीक है. अगर आपको किलो जूल्स में कन्वर्ट करना है क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000. जब डिवाइड बाय 1000 करेंगे सो विल गेट आंसर दैट इज 41.53 किलो जूल्स. सो दिस इज अवर इंटरनल एनर्जी चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, assuming the water vapor to be a perfect gas, calculate the internal energy change. मतलब यहाँ पर जो है हमें डेल्टा यू फाइंड करना है, ठीक है. डेल्टा यू फाइंड करना है when one mole of question says assuming the water vapor to be a perfect gas, calculate internal energy change. मतलब डेल्टा U फाइंड करना है आपको, इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर इज कन्वर्टेड टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस में. गिवन द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है दैट इज 6 किलो जूल्स पर मोल. हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर भी दिए हुए दैट इज 4.2 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है. सो यहाँ पर हमें जो है फाइंड करना है इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है. सो वी हैव अ फॉर्मूला दैट इज डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है. हमें डेल्टा यू फाइंड करना है, उसके लिए पहले आपको डेल्टा एच निकालना होगा, ठीक है. डेल्टा एच फाइंड करना है. अब यहाँ पर जो है कन्वर्जन हो रहा है, देखो कन्वर्जन हो रहा है, वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस जो है गैस फॉर्म से कन्वर्ट हो रहा है आइस के अंदर, गैस से कन्वर्ट हो रहा है आइस में. तो यहाँ कन्वर्जन जो है वाटर गैस फॉर्म से पहले तो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है. जब गैस से वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उस एंथैल्पी चेंज को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. और फिर लिक्विड से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है. सो यहाँ पर लिक्विड से कन्वर्जन फाइनली सॉलिड में होगा और ये वाली एंथैल्पी जो है वो एंथैल्पी ऑफ क्या होगी, फ्यूजन होगी, ठीक है. हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा एच फाइंड करना है, तो डेल्टा एच के लिए दो स्टेप्स है, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू, यहाँ पर हीट रिलीज होगी तो नेगेटिव साइन और नेगेटिव साइन, सो दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन
plus negative of enthalpy of fusion, ठीक है, इन दोनों का जो है हमें सम करना होगा, फाइन। नाउ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है वो क्वेश्चन में दी है, 6 किलो जूल्स दी है, बट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो है हमें फाइंड करना है। सो वी हैव फॉर्मूला फॉर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, दैट इज डेल्टा एच इज माइनस सी पी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमें 1 मोल के लिए फाइंड करना है, 1 मोल के लिए फाइंड करना है तो मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा। किसका मॉलिक्यूलर मास? वाटर का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर मास इनटू सीपी इनटू डेल्टा टी। अब वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है? 18। यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। सीपी जो कि क्वेश्चन में दी हुई है, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी है? 4.2। तो हम यहाँ ले लेंगे 4.2, और साथ में चेंज इन टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर चेंज कहाँ से हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस से कहाँ चेंज हो रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। आपको सेल्सियस में रखना है, केल्विन में रखना है, जब भी आप सब्ट्रैक करोगे इट कम्स आउट टू बी 100 ओनली। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 100, ठीक है। व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट आंसर दैट इज 5760 जूल्स पर मोल, ठीक है। इसमें हमें आंसर मिलेगा जूल्स में, अगर आपको किलो जूल्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय क्या कर लेंगे? 1000, 1000 से डिवाइड करने के बाद 7.560 किलो जूल्स पर मोल, ये हमारा वैल्यू किसका आ गया? डेल्टा एच का, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। और जो आपको चेंज इन एंथैल्पी फाइंड करनी है, सो डेल्टा एच वेपराइजेशन का वैल्यू आ गया -7.560, ठीक है। और साथ में एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, दैट इज -6.00, ठीक है। सो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट दैट इज -13.56 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। आपको डेल्टा एच का वैल्यू मिल गया, आपको डेल्टा यू फाइंड करना है। सो फाइनली वी हैव द सेम फॉर्मूला, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। अभी आपको डेल्टा यू फाइंड करना है तो उसके टर्म्स में क्या लिख देंगे हम? डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम जो है 100 डिग्री सेल्सियस गैस से लेके 0 डिग्री सॉलिड तक जब हम जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पर नेग्लिजिबल चेंज ऑफ वॉल्यूम हो रहा है। तो नेग्लिजिबल चेंज ऑफ वॉल्यूम हो रहा है ये कन्वर्जन में, तो डेल्टा यू क्या हो रहा है? 0, ठीक है, नेग्लिजिबल चेंज है। इससे हमें डेल्टा वी को क्या ले लिया? 0। तो वी गेट एन एक्सप्रेशन दैट डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एच। आपने अभी जस्ट डेल्टा एच फाइंड किया है, सो फाइनली यू गेट व्हाट? डेल्टा यू इक्वल्स टू -13.56 किलो जूल्स पर मोल। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन एंड 180 एम। आफ्टर कंबशन CO2 एंड H2O आर प्रोड्यूस्ड and 3267 kilojoules of heat is liberated. Calculate the standard enthalpy of formation of benzene. Standard enthalpy of formation of benzene find करना है, और कुछ enthalpies दी है formation की CO2 और H2O. तो जो हमें find करना है that is standard enthalpy of formation, means हमें benzene form करना है. So benzene कैसे form होगा? अपने constituent element में से, that is carbon reacts with hydrogen and it forms benzene. Enthalpy of formation है तो यहाँ पर 1 mole of benzene होने चाहिए, ठीक है। अब balance करने जाए तो यहाँ पर 6 carbon है, तो we have to place 6 carbon और 2 hydrogen और यहाँ पर 6 hydrogen है, so we have to place 3 over here, ठीक है। So आपको इसकी enthalpy of formation जो है वो calculate करनी है, enthalpy of formation of benzene, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन में डेटा दिया है दैट कंबर्शन ऑफ 1 mole ऑफ बेंजीन, 1 mole ऑफ बेंजीन का कंबर्शन हुआ है, ठीक है। सो ये हमारा मेन एक्सप्रेशन है,
और 1 मोल ऑफ बेंजीन का कंबशन हुआ है और एनर्जी रिलीज हो रही है 3267। तो एनी कार्बन कंपाउंड व्हेन अंडरगोस कंबशन, तो कंबशन जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होगा वो प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, साथ में हीट वगैरह और लाइट, ये सब चीज़ें प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऐसा क्वेश्चन में दिया है। अब जो एनर्जी है यहाँ पर रिलीज होगी, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज करनी होगी हमें। सो -3267 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, सो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि यहाँ पर एनर्जी है जो रिलीज हो रही है, C6H6 होगा यहाँ पर। ठीक है, नाउ मेन फाइनल एक्सप्रेशन में मुझे C6H6 जो है वो ऑप्टेन करना है प्रोडक्ट साइड, और यहाँ पर जो है वो रिएक्टेंट साइड है। ठीक है, अब हम इसको अगर बैलेंस कर ले तो यहाँ पर होंगे 6 कार्बन। ठीक है, 6 कार्बन दोनों साइड पे, हाइड्रोजन है 6, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएंगे 6, ऑक्सीजन 6 2 12, 12 + 3 हो गए 15, यहाँ 15 ऑक्सीजन करने हैं तो मैं 15 लिख देता हूँ, 15/2, बिकॉज 15 2 हो जाता है 30 और 30 का हाफ हो जाता है 15 ऑक्सीजन, तो दोनों साइड में 15 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, अब मेन एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है, मेन एक्सप्रेशन ये बोल रहा है कि C6H6 जो है वो प्रोडक्ट साइड होना चाहिए और हमारा बेंजीन यहाँ पर जो है वो रिएक्टेंट साइड पे है, तो फॉर दैट रीजन हम जो है रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, बिकॉज हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C6H6 का फॉर्मेशन चाहिए। तो रिएक्शन रिवर्स करने पे वी गेट 6CO2 + 3H2O गिव्स C6H6 + 15/2 O2। देखो हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑप्टेन कर लिया, सो यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगा उसकी साइन चेंज हो जाएगी और विल राइट 3267 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, साइन में चेंज हो गया। उसके बाद स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 की वैल्यू दी है। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट एक्सप्रेशन मान लेते हैं, सेकेंड वाला। अब CO2 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब हमें क्या बनाना है, अभी CO2 बनाना है जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट से बनेगा C+O2, जिसमें कार्बन जो है उसका फॉर्म सॉलिड होगा, ऑक्सीजन जो है वो गैस होगा, CO2 जो भी है वो गैस होगा। अब इसकी सेल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो हमें दी है क्वेश्चन में, दैट इज सब सेल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है सबकी। ठीक है, तो क्या दी क्वेश्चन में, 3935 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर हो जाता है 3। फाइन, उसके बाद जो हमारे मेन एक्सप्रेशन में देखो मुझे CO2 की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर टोटल 6 CO2 प्रेजेंट है एक्सप्रेशन नंबर 2 में, और मेन एक्सप्रेशन में CO2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एनी हाउ CO2 मुझे रिमूव करना होगा। तो CO2 रिएक्टेंट साइड पे 6 है और यहाँ प्रोडक्ट साइड पे 1 ही है, तो अगर रिमूव करना है तो दोनों साइड जो है सेम करना होगा, राइट। तो यहाँ पर 6 CO2 है तो यहाँ भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सो विल गेट 6 कार्बन, 6 O2 मॉलिक्यूल एंड 6 CO2। अब उसी साथ में जो है हमें मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर 6 से, बिकॉज फाइनली जो वैल्यू आएगी वो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही आएगी। सो द वैल्यू इज -2361 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो ये वैल्यू दिया था 393.5 दिया था, 393.5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो है 2361 ये आएगा। तो हमारी वैल्यू में ये थर्ड एक्सप्रेशन जो हमने इसको माना था, सो बेटर है हम थर्ड एक्सप्रेशन जो है वो 2361 वाली वैल्यू को मान ले। तो ये हमारी थर्ड वैल्यू आ गई। ठीक है, देन नेक्स्ट बोला है H2O का फॉर्मेशन है, H2O बनाना है। सो H2O कैसे बनेगा, अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में से। सो H2O जो है इट इज फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन,
जो गैस फॉर्म में है और ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में है, ठीक है। और इसका जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज -285.83 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है हमारे मेन एक्सप्रेशन में हमें चाहिए, और यहाँ पर दो तीन हाइड्रोजन है, तो तीन हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, वो भी रिएक्टेंट साइड पे ही है, तो रिएक्शन को फ्लिप नहीं करेंगे और सबको मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। सो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, बिकॉज 3 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है हमारे मेन एक्सप्रेशन में, और ये भी जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है आप मल्टीप्लीकेशन के बाद इट कम्स आउट टू बी -857.9 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फोर्थ एक्सप्रेशन। अब 2, 3 और 4 के हेल्प से मुझे जो है फर्स्ट एक्सप्रेशन अचीव करना है, ठीक है। सो 2 वाला जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर उसको लिख लेते हैं, दैट इज C6H6। ओके, सेकेंड वाला एक्सप्रेशन जो है उसमें दिया हुआ है CO2, 6CO2 प्लस 3H2O गिव्स C6H6 प्लस 15/2 O2, ठीक है। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसे जो है हमें नेक्स्ट और एक्सप्रेशन भी ऐड करने हैं। तो नेक्स्ट है और एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन नंबर 3 है। एक्सप्रेशन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 3 में जो है डेटा दिया हुआ है कार्बन के बारे में। सो 6 कार्बन प्लस 6 O2 गिव्स 6 CO2, ठीक है। और हाइड्रोजन का जो रिएक्शन है 3H2 प्लस 3 O2 गिव्स 3H2O। सबकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है हम चेक कर लेते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है फर्स्ट रिएक्शन की, इट इज 3267 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, दैट इज वी कैन सी दैट -2361 किलो जूल्स पर मोल। और लास्ट एक्सप्रेशन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है, दैट इज -857.4 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। सो सारी एंथैल्पीज को जो है हमें ऐड करना है। अब देखो हमारा मेन एक्सप्रेशन जो है वो 6 कार्बन 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ C6H6, ये हमें फाइनली ऑब्टेन होगा। लेट्स सी, इसमें 6 CO2 कैंसिल हो रहा है 6 CO2 से, 3H2O कैंसिल हो रहा है 3H2O से, ठीक है। यहाँ पर हमने जो मल्टीप्लीकेशन किया था, राइट हैंड साइड पे 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल थे और यहाँ पर टोटल हो गए 6, तो हमें 3 करना है, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2। तो एनी हाउ लेफ्ट साइड भी 6 हो जाएंगे और राइट साइड भी 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो है वो 3/2 है, ठीक है। रिएक्टेंट साइड पे 6 और 3/2 ऑक्सीजन है, तो 6 प्लस 3/2 जो आप इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 12, और ये हो जाएगा हमारा 15/2। तो यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन को जब आप कंबाइन करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 15/2। तो रिएक्टेंट साइड 15/2 है और प्रोडक्ट साइड 15/2 ऑक्सीजन है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमें क्या मिला, दैट 6 कार्बन प्लस 3H2 विल गेट व्हाट, C6H6, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को आप ऐड करेंगे, ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, तो फाइनली विल गेट आंसर, दैट इज 48.51 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। तो हमें यही एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना था,
दैट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन के लिए. सो ये सारी एंथैल्पीज जो है हमें इस तरह से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो सॉल्व करनी है. एंड दिस इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. नाउ एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस. रैंडमनेस मतलब मूवमेंट. जैसे सॉलिड टू लिक्विड में जाएंगे, लिक्विड टू गैस में जाएंगे तो मूवमेंट ज़्यादा होगी, मतलब एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी उसमें. तो वन फर्स्ट क्वेश्चन इज अ लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू सॉलिड. अब जो लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है. अब लिक्विड से हम जब सॉलिड में जाएंगे तो रैंडमनेस कम हो जाएगी, तो एंट्रोपी विल गेट वॉट डिक्रीज. एंट्रोपी गेट डिक्रीज. सेकेंड क्वेश्चन इज टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज फ्रॉम 0 Kelvin टू 115 Kelvin. आप 0 Kelvin से 115 Kelvin में जाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे. टेम्परेचर इंक्रीज करोगे मीन्स पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे, मूव करेंगे, ठीक है. सो एंट्रोपी विल गेट इंक्रीज. थर्ड क्वेश्चन इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को आप हीट करोगे, वी गेट सोडियम कार्बोनेट जो सॉलिड फॉर्म में है, और साथ में गैस मिलेगी CO2 एंड H2O. अब रिएक्टेंट सिर्फ सॉलिड फॉर्म में ही है बट प्रोडक्ट साइड वी गेट गैस. गैस मिला मतलब रैंडमनेस बढ़ेगी, तो यहाँ पर एंट्रोपी विल गेट व्हाट इंक्रीज. एंट्रोपी विल इंक्रीज. नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस जो है और दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन एज अ मॉलिक्यूल फॉर्म में प्रेजेंट है, गैस फॉर्म में, ठीक है. इसको आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पर दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. अब एटम्स जो है उनका मूवमेंट और ज़्यादा है, वो और एक दूसरे से दूर दूर है, ठीक है. सो H2 मॉलिक्यूल आर बाइंड विद सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट दो हाइड्रोजन एटम जो है वो डिफरेंटली डिफरेंट पैटर्न में अरेंज्ड है, वो एक दूसरे से और भी दूर होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर भी जो है एंट्रोपी विल गेट इंक्रीज. तो लास्ट सिचुएशन में भी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होगी. So the next question is for oxidation of iron, Fe plus O2 gives Fe2O3. तो यहाँ पर हो रहा है rusting of iron. और entropy change का value दिया है, that is -4549.4 joules per kelvin per mole at 298 kelvin. In spite of negative entropy change of this reaction, why is the reaction spontaneous? अब एक reaction spontaneous होने के लिए हमें पता है दैट एंट्रोपी चेंज का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए. सो टोटल एंट्रोपी चेंज दिस इज डेल्टा एस. टोटल एंट्रोपी चेंज जो होगा दैट इज एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम सिस्टम का एंट्रोपी चेंज एंड surrounding entropy change of surrounding, ठीक है. तो total entropy change जो है system plus surrounding जो है उसका value जो है वो positive आना चाहिए, ठीक है, positive आना चाहिए. question में reaction दिया है that is 4 Fe plus 3 O2 gives 2 Fe2O3, ठीक है. तो अभी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है टोटल एंट्रोपी चेंज फाइंड करना है. क्वेश्चन के अंदर हमें जो है वो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम दी है. एंट्रोपी ऑफ सिस्टम जो वैल्यू दी है दैट इज -549.4 जूल्स पर केल्विन पर मोल, ठीक है. हमें जो है वो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग फाइंड करना है. एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग फाइंड करने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला दैट इज माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन टी. तो यहाँ पर क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है. तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज माइनस 1648 into 10 raised to 3 upon
टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन टू अस, दैट इज 298 केल्विन। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 5.53 इंटू 10^3 जूल्स। ठीक है, अगर आपको जूल्स में 10^3 को सॉल्व करना है तो वी कुड फर्दर राइट 5530 जूल्स पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो हमारा जो आएगा डेल्टा एस सराउंडिंग का वैल्यू। ठीक है, अब टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन जो है उसको हम लिख सकते हैं, टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन, जिसका फॉर्मूला है टोटल एंट्रोपी जो है दैट इज सिस्टम एंड एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम की एंट्रोपी ऑलरेडी दी है क्वेश्चन में, सिस्टम की एंट्रोपी दैट इज माइनस 549.4। ठीक है, और सराउंडिंग की एंट्रोपी हमने अभी जस्ट फाइंड की है, दैट वुड बी 5530। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट एंट्रोपी चेंज दैट इज 4980.6 जूल्स पर मोल पर केल्विन। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर।